हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हैं हम करंट अफेयर करेंगे 2019 के, ये हैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, जिसमें जो हैं हम टॉप 30 क्वेश्चन जो हैं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर टिक करें, ताकि कोई भी अपडेट हो मिल सके। मेरे चैनल पे जो है आपको करंट अफेयर, पैडागोजी, प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर, एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम जो हैं, अब मैं जो हैं ये डेली जो है करंट अफेयर की वीडियो डालूंगी, चाहे एक दिन बाद चाहे दो दिन बाद, पर डेली जो है अब डाला करूँगी, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर जो है एक कॉमन टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेव ग्रीन स्टे क्लीन नामक अभियान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। सेव ग्रीन स्टे क्लीन, तो ये अभियान जो है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल में। और इसका उद्देश्य क्या है, हरियाली का जो है संरक्षण करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना, जैसे कि नाम बता रहा है, सेव ग्रीन स्टे क्लीन। सेकेंड क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को किन राज्यों में पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो इन राज्यों में जो है किसी भी राशन की दुकान से जो है आप सस्ती चावल या गेहूं जो है राशन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए जो है राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, भारत गौरव अवार्ड से किस भारतीय पूर्व क्रिकेट को सम्मानित किया गया। तो भारत गौरव अवार्ड जो है ये अवार्ड कपिल देव को दिया गया है, और किसने दिया है, ये दिया है ईस्ट बंगाल क्लब ने अपनी स्थापना की सौंपी वर्षगांठ पर ईस्ट बंगाल क्लब ने। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाला पहला क्रिकेटर कौन है। तो ये हैं एलिस पेरी। एलिस पेरी हैं कौन, ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया की महिला ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, और ये विश्व में ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय T20 में 1000 रन और 100 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ये दिया गया है रामनाथ कोविंद को। रामनाथ कोविंद को गिनी जो गणराज्य है उसका यह सर्वोच्च सम्मान है, गिनी गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। और ये इनको क्यों दिया गया है रामनाथ कोविंद जी को, क्योंकि उन्होंने जो है गिनी और भारत के बीच विकास संबंधों को जो है बढ़ावा दिया है, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो गिनी गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम चांसेस क्वेश्चन जो भी पुरस्कार आ रहे हैं उनको पूछने के। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए रवीश कुमार को चुना गया है, जो कि एक भारतीय पत्रकार हैं, और ये एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है रेमन मैग्सेस पुरस्कार, और इसको जो है एशिया का नोबल प्राइज भी कहते हैं इस अवार्ड को। और ये अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है, और क्यों दिया जाता है, ये मेनली जो है एशियाई देशों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो ये दिया जा रहा है जो भारतीय पत्रकार हैं रवीश कुमार को। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन, टूल्स एंड वेपन्स द प्रॉमिस एंड द पेरिल ऑफ डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं ब्रेट स्मिथ और कैरोल एंड ब्राउन। ब्रेट स्मिथ है कौन, आपको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम आपने सुना होगा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजिडेंट है ब्रेट स्मिथ, उन्होंने जो है पुस्तक लिखी है, और कैरोल एंड ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्थ क्वेश्चन,
एट्थ क्वेश्चन है, भारत में प्रथम टाइम रिलीज स्टडी का संचालन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? टाइम रिलीज स्टडी, तो ये जो है ये वित्त मंत्रालय द्वारा जो है इसका संचालन किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य ये है कि सीमा पर कार्गो का तीव्र आवाजाही सुनिश्चित करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की बालिकाओं के कल्याण के लिए बहाली डिक्री योजना लॉन्च की? तो ये की है गुजरात में, और इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो बालिका जन्म दर है उसमें वृद्धि करके लिंग अनुपात समान करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनका लिंग अनुपात मतलब समान करना, तो ये बालिकाओं के जन्म दर में वृद्धि करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम CNAPS में जुड़ने वाला भारतीय पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो CNAPS की फुल फॉर्म क्या है? ये है चाइना नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम। तो इससे जुड़ने वाला पहला भारतीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, 2021 की जनगणना कितनी अनुसूचित भाषाओं में की जाएगी? मतलब 2021 की जनगणना कितनी अनुसूचित भाषाओं में की जाएगी? फ्रेंड्स, ये प्रीवियस वीडियो भी डाली है जिसमें मैंने जनगणना से रिलेटेड डाला है। तो लास्ट जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, तो हर साल 10 साल बाद जो है ये जनगणना होती है, तो अब 2021 में होगी। तो इसमें जो है कितनी भाषाओं अनुसूचित भाषाओं में की जाएगी? 18, और 2011 में जो है 16 भाषाओं में की गई थी। तो 2021 की जो जनगणना होगी वो दो चरणों में होगी, मतलब इसका पहला चरण जो है अप्रैल 2020 से सितंबर 2000 में किया जाएगा, 2020 में, और दूसरा चरण जो है 9 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 में किया जाएगा, मतलब दो चरणों में जो है ये जनगणना की जाएगी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, टीवी रोग के लिए कौन से टीके उपयोग किए जाएंगे? आपको पता है टीवी रोग जो है बहुत मतलब डेंजरस है, तो इसके लिए जो है आप दो टीके जो हैं ये उपयोग में किए जाएंगे। एक है IMM UVAC एंड और BPM1002। तो ये हैं टीकों के नाम जो कि टीवी रोग के लिए अब उपयोग में किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, आईरिस स्कैनिंग सिस्टम डिजिटल फिंगरप्रिंट को अंगीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो एक्चुअल में इस सिस्टम को नाम क्या दिया गया है? ये है ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, या AMVIS के नाम से भी जाना जा रहा है। तो इसका सिस्टम ये जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है अब देश का पहला राज्य ऐसा बन गया है जिन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया है। ये मेनली जो है पुलिस को जांच पड़ताल करने में जो है हेल्प करेगा। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड दी से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शाहरुख खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन जो है एक्सीलेंस इन सिनेमा जो अवार्ड है वो ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया प्रांत है उन्होंने ये दिया गया है, और ये उनको दिया जाता है जो सिनेमा जो में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, हाल ही में मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब किसने जीता? ये है ना जोशी, जो भारत से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को जुलाई महीने के लिए PCA प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये है रविचंद्रन अश्विन, या आर अश्विन भी बोल देते हैं इनको। तो इनको जो है जो काउंटी चैंपियनशिप है उस हुई थी उसमें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जो है दिया गया। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने खेल के लिए मिशन शक्ति लॉन्च किया? मिशन मिशन शक्ति, तो ये लॉन्च किया गया है
महाराष्ट्र सरकार ने, और इसका उद्देश्य ये है कि जो जनजातीय क्षेत्रों के जो खिलाड़ी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण देना, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, किस भारतीय महिला पहलवान ने 2019 पोलैंड ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, तो ये हैं बिनेश फोगाट, और ये भी पूछ सकते हैं कि कितने किलोग्राम भार वर्ग में ये जीता है, तो ये जीता है 53 किलोग्राम भार वर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पहली 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल इंटेलाइट को किस शहर में लॉन्च किया गया, तो ये किया गया है मोहाली में, मोहाली जो चंडीगढ़ के साथ लगता है मोहाली। तो इसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने की है, और इसकी सहायता से जो ये स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल इंटेलाइट है, इसकी सहायता से जो ट्रैफिक जाम होता है उसकी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में GJ 357D नामक ग्रह की खोज की है, तो ये की है नासा ने, और इस ग्रह को जो है सुपर अर्थ भी कहा जा रहा है, सुपर अर्थ। नेक्स्ट है 21st, किस राज्य ने हाल ही में रेस नामक उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च किए हैं, तो रेस की फुल फॉर्म क्या है, ये है रिसोर्स असिस्टेंट फॉर कॉलेजेस विद एक्सीलेंस, तो ये राजस्थान ने शुरू किया है, और इसका जो उद्देश्य क्या है, सरकारी महाविद्यालयों में जो फैकल्टी है और जो संपत्ति है, चल संपत्ति है, के वितरण पर बल दिया जाएगा। नेक्स्ट है 22, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 2019 में बेल्ट एंड रोड चाइना ह्यूमन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट को जीता है, तो ये हैं सूर्य शेखर गांगुली ने। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये है मणिपुर, और जो यूपी है, राजस्थान और बिहार ये सबसे नीचे हैं, यूपी राजस्थान और बिहार। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, विश्व जनजातीय दिवस 2019 की थीम क्या है, तो विश्व जनजातीय दिवस जो है हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है वो है स्वदेशी भाषाएं। नेक्स्ट है 25th, 22वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की थीम क्या है, ये है डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। नेक्स्ट है 26th, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला, तो ये मिला है उत्तराखंड, और ये कौन सा राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था, ये था 66th एडिशन था ये राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड का, तो इसमें जो उत्तराखंड है उसको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। तो अब हम करते हैं राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैंने सारे के सारे एडिट कर दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। तो ये है बेस्ट फीचर फिल्म मिली है हिलारो, जो कि एक गुजराती फिल्म है, और बेस्ट फीचर फिल्म हिलारो गुजराती, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म मिली है सनराइज बिभा बख्शी की है, तथा द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉक्स अजय और विजय वेदी के हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इस बार किसको मिला है, ये है आयुष्मान खुराना को, कौन सी मूवी के लिए, अंधाधुन, और विक्की कौशल को उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी उसके पे मिला है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कीर्ति सुरेश, जो महानती और तेलुगु फिल्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड किसको मिला, ये मिला है स्वानंद किरकिरे चुंबक, जो एक मराठी फिल्म है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड, ये मिला है सुरक्षा सिकरी, जो बधाई हो फिल्म आई थी, बहुत
अच्छी थी ये मूवी, तो उसके लिए जो है इनको मिला है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के मिला है आदित्य धर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। नेक्स्ट है भरपूर मनोरंजक लोकप्रिय फिल्म कौन सी रही इस बार, बधाई हो। नेक्स्ट है सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैडमैन रही है, जो कि अक्षय जी की थी। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये थी पानी, जो कि मराठी मूवी है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ मूवी, भरपूर मनोरंजक मूवी, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ मूवी, तो ये आपने जरूर करनी है। नेक्स्ट है 28th भारत की पहली क्लिनिकल इको टॉक्सिकोलॉजी फैसिलिटी को किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली में। ये दिल्ली के जो एम्स है उन्होंने भारत की पहली इको टॉक्सिकोलॉजी फैसिलिटी जो है ये लॉन्च की है। और इससे जो है इसका उद्देश्य क्या है, जो पर्यावरण में विषैले पदार्थों की वजह से जो रोग लग रहे हैं उनको अध्ययन करना कि कौन कौन से विषैले पदार्थ हैं और इनसे कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, उसकी पूरी स्टडी करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लेदर मिशन लॉन्च किया गया, तो ये किया गया है सिरोही। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किया गया है खादी व ग्राम उद्योग के द्वारा। और इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग चमड़े का काम करते हैं उन कारीगरों को लेदर किट प्रोवाइड करवाना, लेदर मिशन मतलब लेदर किट प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जनजातीय लोगों के ऋण को माफ़ करने की घोषणा की है, तो ये है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने एक और स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मदद योजना, और इसका उद्देश्य ये है जो जनजातीय परिवार के बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रोवाइड करना, जो जनजातीय फैमिलीज हैं, जो जनजातीय लोग हैं उनके बच्चों के जन्म पे और किसी भी परिवार की जो सदस्य है उसकी मृत्यु पे जो है सहायता प्रदान करना। तो ये दोनों की दोनों जो हैं, एक है जनजातीय लोगों को ऋण को माफ़ करने की घोषणा की है और ये है मुख्यमंत्री मदद योजना, ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो इसी तरह फ्रेंड्स वीडियोस देखते रहें और फ्रेंड्स अपने जो आगे जो फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ शेयर करना ना भूलें। अब जो है डेली करंट अफेयर डालेंगे, तो इसी तरह वीडियोस देखते रहें। सो गुड नाइट फ्रेंड्स।